सतना रामपुर बागीलान किसान सभा के जिला महासचिव शिवराम सिंह बठहरी ने कहा कि हरियाणा पंजाब के किसान अपनी एमएसपी एवं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण दिल्ली जा रही किसानों के ऊपर हरियाणा पुलिस की गोलीबारी से एक युवा किसान साथी शुभकरण सिंह शहीद हो गए हैं, जिससे पूरे देश के किसानों में काफी आक्रोश है। शिवराम सिंह ने कहा कि रामपुर के किसानों ने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में तीनों काले कानून के विरोध में एक वर्ष अनवरत ठंडी गर्मी बरसात में तीनों बिल वापस होने तक आंदोलन किया है, परंतु जिस मोदी सरकार द्वारा लिखित आश्वासन के आधार पर आंदोलन स्थगित कराया गया था, आज तक एक भी आश्वासनों में सरकार द्वारा अमल नहीं किया है। यह किसानों के साथ केंद्र सरकार की वादा खिलाफी है। सरकार को जल्द अपना किसानों से लिखित में किया गया वादा पूरा करना चाहिए। यदि सरकार दिल्ली बॉर्डर में शांतिपूर्ण आंदोलन रत किसानों के ऊपर पुलिस बल का प्रयोग करती है तो मध्य प्रदेश के किसान शांत बैठने वाले नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का जैसे निर्देश होगा, मध्य प्रदेश का किसान भी दिल्ली के लिए कूच करेगा। सरकार जिस भाषा में किसानों से बात करती है उसी भाषा में किसान भी जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। कार्यक्रम में आज संयुक्त मोर्चा के संयोजक के शुक्ला, किसान सभा जिला महासचिव शिवराम सिंह, किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता दयाशंकर द्विवेदी, किसान सभा ब्लॉक अध्यक्ष रामराज सिंह, यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष दल प्रताप सिंह, इंजी आशुतोष सिंह, संरक्षक पूर्व शिक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह, करही सुखनंदन सिंह, तपा नितिन सिंह, बघेल अर्जुन दाहिया, वीरेंद्र शुक्ला सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। सतना से जिला ब्यूरो चीफ जितेंद्र अग्निहोत्री के साथ शिवम शुक्ला की रिपोर्ट।